दोस्तों, क्या आप कार लोन लेने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इससे पहले आपको कार लोन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कार लोन कैसे मिलता है, कार लोन की योग्यता क्या है, कौन-कौन से दस्तावेज कार लोन के लिए जरूरी होते हैं, साथ ही इसके ब्याज और अन्य बातों को भी समझना आपके लिए जरूरी है। आज हम इस वीडियो में कार लोन की पूरी प्रोसेस पर बात करने वाले हैं, साथ ही कार लोन लेने के लिए क्या-क्या योग्यता होना चाहिए ये भी हम आज जानेंगे। इसके अलावा कार लोन में लगने वाले दस्तावेजों को भी समझने की यहाँ आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बैंक और फाइनेंस कंपनियाँ कार लोन देने से पहले आप में क्या योग्यताएं देखती है। दोस्तों, कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी कार लोन देने से पहले मुख्य रूप से तीन चीजें देखती है। पहली, आपकी सालाना इनकम, दूसरी आपकी इनकम का सोर्स, और तीसरी आपका क्रेडिट स्कोर। इसके अलावा भी कई बातों पर कार लोन मिलना तय होता है। उन्हीं बातों में सबसे पहले हम जानते हैं असल में कार लोन कौन ले सकता है। दोस्तों, कार लोन का आवेदन करने से पहले आपको छोटी छोटी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि आपको कार लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक के इन क्राइटेरिया को पूरा करे बगैर आपका कार लोन अप्रूव नहीं किया जा सकता। कार लोन लेने के लिए पहला क्राइटेरिया है आपकी उम्र। दोस्तों, कार लोन लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच होना जरूरी है। इस उम्र के दायरे में यदि आप नहीं आते तो हो सकता है आपको कार लोन न मिले। दूसरा है इनकम। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सालाना सैलरी कम से कम 3 लाख रुपए तक होना जरूरी है। साथ ही अगर आप किसी व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपकी सालाना आय 4 लाख से ज्यादा होना आवश्यक है। तीसरा है आपका अनुभव। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, आपको उस कार्य का कम से कम 3 साल से ज्यादा का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही आप वर्तमान में जहां और जो भी काम कर रहे हैं वहां आपकी स्टेबिलिटी 1 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो की और ज्यादा जानकारी बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस और लोन से जुड़ी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना लाता हूँ। साथ ही नई फाइनेंस कंपनी की रिव्यू के साथ इन कंपनियों के लोन प्रोसेस, ब्याज और खास बातों की जानकारी भी इस चैनल पर आपको देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। कार लोन लेने के लिए अगला यानी चौथा क्राइटेरिया है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम पर आपको लोन मिलने में परेशानी हो सकती है, और यदि कोई फाइनेंस कंपनी लोन देने के लिए तैयार भी हो जाती है तो वो आपसे ज्यादा ब्याज वसूल कर सकती है। दोस्तों, वैसे तो ये 4 पॉइंट का क्राइटेरिया महत्वपूर्ण है कार लोन लेने के लिए, लेकिन आगे इस वीडियो में मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। एक, कार लोन की योग्यता क्यों चेक करना चाहिए, और दूसरी है कि आप अपने कार लोन की योग्यता को कैसे चेक करें। इन दोनों चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि जानकारी खास होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा देखकर ठीक से समझिए कि आगे क्या जानकारी है। दोस्तों, अब तक आपने जो जानकारी देखी या सुनी है वो आपको कैसी लगी, उसे बताने के लिए लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे और ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आगे और भी जानकारी बाकी है, उसे देखने और सुनने से पहले एक लाइक जरूर करें। बात करते हैं कार लोन की योग्यता क्यों चेक करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि कार लोन लेने से पहले आपको अपनी कार लोन की योग्यता जरूर चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका कार लोन आवेदन बाद में बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि आपके लोन रिजेक्ट होने का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। ध्यान रखें कि आपके क्रेडिट स्कोर में कई बार लोन रिजेक्ट होना या पुराने लोन के अनियमित भुगतान के कारण भी आपको कार लोन मिलने में
परेशानी झेलना पड़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कार लोन आवेदन करने से पहले अपनी कार लोन की योग्यता को अच्छी तरह से जांच लें। लेकिन अब बात आती है कि कार लोन की योग्यता को चेक कैसे किया जाए। तो दोस्तों, वैसे तो हर बैंक और फाइनेंस कंपनी के कार लोन देने के अपने अपने नियम होते हैं, इसलिए आप जब भी किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कार लोन लेने का सोचें तो अपनी योग्यता को चेक करने के लिए उस बैंक या फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपनी लोन लेने की योग्यता को आसानी से चेक करें। ऐसा करने से आपको यह अनुमान हो जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। दोस्तों, नई और पुरानी कारों के लिए लोन लेने की योग्यता अलग अलग हो सकती है। इन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की वेबसाइट पर आपको बहुत से कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप ये जान सकेंगे कि आपको कितना लोन मिल सकता है। आपको इन कैलकुलेटर में कार बनाने वाली कंपनी का नाम, कार का मॉडल, आपकी आय आदि की जानकारी देना होती है। उसके बाद ये आसानी से आपको बता देती है, ये कैलकुलेटर बता देते हैं कि आपको कितना लोन लगभग सैंक्शन हो सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में कार लोन की योग्यता को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे ज़्यादा लोन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वो वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी आपके लिए। आखिरी में बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 8 सालों से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और आज देश के हर व्यक्ति तक ऐसी ही सही जानकारी पहुंचाना मेरा मिशन है। हो सकता है इस जानकारी की जरूरत आपके किसी मित्र या रिश्तेदारों को भी हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और मेरे इस मिशन से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या आप किसी अन्य जानकारी पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप मुझसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।